लास्ट वीक एप्पल ने अपने आईफोन SE का 2020 एडिशन लॉन्च किया है। इवेंट इतना कुछ बड़ा नहीं था एंड ये एक ऑनलाइन इवेंट था, बट ये स्मार्टफोन जो है वो ग्लोबली लॉन्च हो गया है एंड ये स्मार्टफोन इंडिया में इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज इसके प्राइस की वजह से एंड इसके छोटे डिस्प्ले की वजह से। बट मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये 2020 में का एक गेम चेंजर स्मार्टफोन होने वाला है, स्पेशली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के लिए जैसे कि OnePlus 8, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट, Note 10, इन जैसे स्मार्टफोन के लिए एक कमाल का कॉम्पिटिटर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है कमाल के इस iPhone SE 2020 एडिशन में जो कि फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन को इतनी कमाल की टक्कर देने जा रहा है। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या खास है इस साल के iPhone SE 2020 एडिशन में जो सबसे फर्स्ट iPhone SE लॉन्च हुआ था उसमें हमें देखने को मिली थी iPhone 5S की बॉडी, बट उसमें जो इंटरनल स्पेक्स थे वो थे iPhone 6S के। तो एग्जैक्टली इस साल के iPhone के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस iPhone में हमें देखने को मिलती है iPhone 8 की बॉडी, बट इसमें जो इंटरनल स्पेक्स है वो है iPhone 11 के। तो बेसिकली iPhone 8 2-3 साल पुराना स्मार्टफोन है। तो ऐसा क्या नया देखने को मिलता है इस साल के iPhone 8 में जो कि SE नाम से लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि iPhone 8 की बॉडी एग्जैक्टली फिट होते इस साल के SE 2020 एडिशन में ग्लास के बॉडी के साथ, सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा प्लेसमेंट, एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है इस SE 2020 एडिशन में। इसमें जो डिस्प्ले यूज किया गया है वो एक आउटडेटेड है 4.7 इंच का एक रेटिना HD+ डिस्प्ले जो एग्जैक्टली iPhone 8 में हमें देखने को मिला था। तो ये एक आउटडेटेड डिस्प्ले, तो ऐसा क्या सोच के iPhone ने इस आउटडेटेड डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन इस टाइम पे लॉन्च किया? तो इसके पीछे कुछ रीजन है। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या रीजन है इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के। सो फर्स्ट रीजन है iPhone का प्रीमियम मार्केट है USA एंड USA में मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाइक अ सब्सिडी। जब आप नया स्मार्टफोन खरीदते हो जो कंपनियां नेटवर्क प्रोवाइड करती है उनसे, इससे आपको फर्स्ट टाइम कम पे करना पड़ता है, बाद में ज्यादा पे करना पड़ता है, बट वो भी नेटवर्क के लिए। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे USA में बहुत ज्यादा स्मार्टफोन सोल्ड होते हैं एंड बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 साल के। फॉर एग्जांपल iPhone 5S लॉन्च हुआ September 2013 में, फर्स्ट टाइम iPhone SE लॉन्च हुआ March 2016 में, अराउंड 2.5 साल के गैप के बाद, एंड ऐसे ही iPhone 8 लॉन्च हुआ September 2017 में एंड iPhone SE 2020 लॉन्च हुआ March 2020 में, अराउंड 2.5 साल के गैप के बाद। तो ये 2.5 साल कोई कोइंसिडेंस है? नॉट रियली। जैसे कि कोई भी ब्रांड अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो उसका सबसे ज्यादा सेल होता है फर्स्ट 6 मंथ में, जैसे कि iPhone 8 के साथ हुआ। स्मार्टफोन लॉन्च हुआ September 2017 में एंड इसका सबसे ज्यादा सेल हुआ March 2018 तक। तो इस 6 मंथ में iPhone 8 का सबसे ज्यादा सेल हुआ। तो यहाँ पे इस पीरियड में जिन जिन लोगों ने iPhone 8 खरीदे उनके कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली खत्म होने आए, तो यहाँ पे वो लोग अपना स्मार्टफोन या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की सोचेगी। एंड ऐसा ही फर्स्ट टाइम जब iPhone SE लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे iPhone 5S के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आए थे, तो इसकी वजह से उस स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई एंड वो स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो कुछ ऐसा ही सोच के iPhone ने अपना ये स्मार्टफोन इस टाइम पे लॉन्च करने का सोचा, क्योंकि iPhone 8 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी खत्म होने आया है, तो इस स्मार्टफोन की जो है वो ज्यादा डिमांड रहेगी। बट यही एक रीजन नहीं है कि इस टाइम पे इस तरीके का स्मार्टफोन लॉन्च करने की। एंड सेकेंड रीजन है इससे एप्पल को अपने पुराने पार्ट्स को यूटिलाइज करने में हेल्प भी होगी और इससे और एक हेल्प होगी, इससे जो एप्पल की ट्रेडिशनल प्राइस है उससे भी कम प्राइस रेंज में हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। iPhone SE 2020 की प्राइस हमें देखने को मिलती है अराउंड 42,000। अगर कंपेयर करें दूसरे स्मार्टफोन के साथ जो कि है iPhone 11, तो उसकी प्राइस अराउंड है 65,000, मतलब कि मोर देन आपको 50% एक्स्ट्रा पेयर करना पड़ता है कंपेयर टू SE 2020। तो यहाँ पे ये iPhone की तरफ से अब तक का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है एंड अगर इसके स्पेक्स के ऊपर नजर डाले तो वो भी काफी कम प्राइस रेंज में बढ़िया स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का जो हार्ट है मतलब कि इसका जो प्रोसेसर है वही प्रोसेसर हमें iPhone के 11 में भी देखने को मिलता है। इसमें हमें देखने को मिलता है उनका SoC A13 Ionic चिपसेट। ये iPhone की तरफ से अब तक का सबसे
पावरफुल किसी भी स्मार्टफोन का चिपसेट है ऐसा आईफोन का मानना है। एंड वैसे भी मार्केट में ये अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन में इस प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए स्मार्टफोन में क्या है इंटरेस्टिंग, तो इसमें इंटरेस्टिंग है लॉन्ग लास्टिंग अपडेट। जब फर्स्ट आईफोन SE लॉन्च हुआ था तो उसमें हमें देखने को मिला था सपोर्ट iOS 9.3 का, एंड स्टिल स्मार्टफोन के हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है iOS 13.4 को, अराउंड 4 ईयर हमें जो है वह स्मार्टफोन के अपडेट देखने को मिले थे। इसका मतलब ये जो स्मार्टफोन है इसमें भी हमें लॉन्ग लास्टिंग अपडेट देखने को मिलेगी। जब तक हमें iPhone 11 के अपडेट देखने को मिलते हैं तब तक हमें स्मार्टफोन में कन्फर्मली अपडेट जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड नज़र डाले किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर तो यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन में इतने लॉन्ग लास्टिंग अपडेट नहीं देखने को मिलते। फॉर एक्सेप्शनल OnePlus 3 स्मार्टफोन में भी हमें स्टिल लॉन्ग लास्टिंग अपडेट देखने को मिले, नोगट से लेके ओरियो एंड ओरियो से लेके पाई तक। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर नज़र डाले तो इतने लॉन्ग लास्टिंग किसी भी स्मार्टफोन में हमें अपडेट नहीं देखने को मिलते। बट इस iPhone SE 2020 एडिशन में हमें लॉन्ग लास्टिंग तक अपडेट देखने को मिलेगी, स्टिल अराउंड 4 ईयर तक हमें स्मार्टफोन में जो है वो अपडेट देखने को मिलेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। तो इस स्मार्टफोन में ऐसा क्या डिफरेंट है iPhone 8 से, तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन में से हटा दिया गया है 3D टच सेंसर, तो ये एक डिसएडवांटेज वाली बात है। बट बाकी सेगमेंट की यहाँ पे बात करें तो कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको एग्जैक्टली iPhone 11 में जो प्राइमरी लेंस है 12 मेगापिक्सल का, वही सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलता है, जिसका एपरेचर है f1.8 का। तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक एवरेज कैमरा है, बट इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि iPhone की जो सिस्टम है फोटो ऑप्टिमाइज करने की वो काफ़ी बेहतरीन है। इसकी वजह से आपको लो लाइट पोर्ट्रेट मोड के काफ़ी अच्छे से शॉट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली इनके डिटेलिंग, कलर कॉम्बिनेशन एंड शार्पनेस काफ़ी बेहतरीन होगी। तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे से खासे शॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, इसी के साथ OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी स्टेबल वीडियो भी आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल iPhone 8 की तरह ही सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 7 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है f2.2 का। तो यहाँ पे भी आपको एक एवरेज सा कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे पोर्ट्रेट और लो लाइट के अच्छे खासे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि iPhone की जो सिस्टम है वो बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपको एक एवरेज कैमरा होने के बावजूद भी अच्छे खासे फोटोज फ्रंट एंड बैक साइड की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसके साथ बैटरी सेगमेंट की यहाँ पे बात करें तो फिलहाल iPhone में किसी भी तरीके का मेंशन नहीं किया है कि कितनी बैटरी है स्मार्टफोन में, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल iPhone 8 की तरह हमें बैटरी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे iPhone ने मेंशन किया गया है कि ये जो बैटरी है वो कम से कम एक दिन का बैटरी बैकअप देने वाली, क्योंकि ये जो चिपसेट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके स्मार्टफोन के बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट चार्जिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 18 वाट फास्ट चार्जिंग को, बट इस स्मार्टफोन के साथ आपको सुपर स्लो चार्जर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 5 वाट का सुपर स्लो चार्जर आपको स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है, तो ये एक डिसएडवांटेज वाली बात है, फास्ट चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बट इसी के साथ ये स्मार्टफोन जो है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये एक एडवांटेज वाली बात है। तो बैटरी के मामले में इसमें आपको बेहतरीन बैटरी देखने को मिलेगी, बट सिर्फ यहाँ पे आपको जो है वो एक स्लो चार्जर इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है डुअल सिम को, जो कि हमें iPhone 8 में नहीं देखने को मिलता। कुछ गिने चुने iPhone के स्मार्टफोन में हमें डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। जब कभी भी iPhone अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो वो अपने पुराने स्मार्टफोन की प्राइस कम कर देता है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको iPhone के नए स्मार्टफोन लॉन्च होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन जब US में लॉन्च हुआ तो उसकी प्राइस है $399, अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अराउंड 30,000 में देखने को मिलता है US में। बट ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिलता है अराउंड 42,000 में, तो ये एक ऑब्वियसली चीपेस्ट स्मार्टफोन नहीं है। अगर नज़र डालें OnePlus 8 के प्राइसिंग के ऊपर तो वो स्मार्टफोन भी हमें ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलता है 42,000 में, बट उस स्मार्टफोन में आपको बेहतरीन डिस्प्ले, बेहतरीन कैमरा एंड लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो वो एक एग्जैक्टली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है, बट ये iPhone SE 2020 एडिशन है वो एक मिडल में एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन मेक होगा, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको सिर्फ एक्सीलेंट कैमरा एंड लॉन्ग लास्टिंग अपडेट को छोड़ के बाकी
बाकी इतने कुछ बेहतरीन फीचर नहीं देखने को मिलते। टिपिकली एप्पल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस स्मार्टफोन के साथ। यहाँ पे आपको लो रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, सुपर स्लो चार्जर जो है वो देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन नहीं है, बट अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करनी है तो उसके लिए ये एक बेहतरीन कैमरा है, क्योंकि स्मार्टफोन से भी ज़्यादा इस ब्रांड की जो है वो वैल्यू ज़्यादा है। एप्पल ब्रांड ही इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बेहतरीन स्मार्टफोन चाहिए तो इस प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी कमाल का आईफोन की तरफ से स्मार्टफोन है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है एंड इसमें आपको बेहतरीन कैमरा भी देखने को मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एप्पल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो आप क्या सोचते हैं इस आईफोन SE 2020 एडिशन के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे स्पेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले।